हमारी अम्मा हमको घसीट कर स्कूल ले जाती थी, फिर स्कूल पहुंचे वहां मैडम मार दी दो तीन हाथ, पनिशमेंट मौज होती थी स्कूल में। बस एक ही कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारे अब्बा ना मारेंगे हमको, बाकी चाहे जो हो जाए। हमसे कहते तुम टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, किसी टीचर को पढ़ा कर तो याद से राजा नहीं जाना। जय हिंद फ्रेंड्स। हमारी अम्मा हमको घसीट कर स्कूल ले जाती थी। आजकल माँ को मैं देखता नहीं किसी को घसीटते हुए, गोद में लिए रो रहा है, उसको रोटी भी खिला रही है। नो बाबा, नो बाबा, बाबा काहे सुनेंगे, बाबा समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमारी अम्मा तो तीन चार बार बोलती थी उठ जा, 6 बज रहे हैं, रिक्शा छूट गया तो समझ लेना। इतना कह के वो अपना नाश्ता बनाने चली जाती और ठीक 6:15 पर एंटर करती थी, बड़ा आग खड़ा हो गया तुरंत। रोते रोते जो है ब्रश उठाए, पेस्ट की जगह नूरामेंट लगा लिए, और जब मुंह में लगा पता चला तो नूरामेंट है। आधी नींद में रहता था आदमी ना, अब वो पेस्ट की ट्यूब उठाया, वो फेविकॉल उठा ली, फेविकॉल उठा ली, आंख खुली देखे फेविकॉल लगाए हमें, दांत ही जाम होगा खुल ही नहीं रहे। फिर रोते रोते 6:40 में फिर बेल्ट छिपा देते थे, गेहूं की बोरी में बेल्ट डाल दिए। स्कूल बिना यूनिफॉर्म के तुम जा नहीं सकते, 3-4 फाइट और पड़ा, बेल्ट लेके आओ बेटा, वहां से बेल्ट निकाल के लाए, लगाया गया। फिर स्कूल पहुंचे वहां मैडम मार दी दो तीन हाथ, इधर मैथ की कॉपी में ज्योग्राफी का काम करके लाया। तो पूरी जिंदगी एक हंगामा होती थी, क्या भगवान, घर पे भी मार खाओ, स्कूल में भी मार खाओ, चारों तरफ मार खाओ, लेकिन सब सही मारते थे। यहां हाथ हाथ तो मारते थे, कोई ऐसे कान पे थोड़ी मारता था कि कान का पर्दा फट जाए, यहां मारते थे साठ मारो यार, आप नहीं करेंगे सर, ऐसे करता था। और जो डेंजर टीचर होता था वो इस तरफ मारता था, धूप में खड़ा कर दिया, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ खड़े। पनिशमेंट मौज होती थी स्कूल में, बाहर खड़े, कुछ टीचरों को पता चल गया कि ये तो मजा लेते जा रहे, बाहर निकल गया। हम बाहर खड़े थे, हमारा एक जूनियर दूसरी क्लास का बाहर खड़ा था, मैंने खूब टीचर को गाली दिया, तो हंस रहा था, जब वो हंस रहा था तो टीचर निकल आई बाहर, उसने उससे पूछा व्हाई यू आर लाफिंग, वो दो तीन हाथ मारा। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसने बता दिया कि मैडम अब्यूजिंग। और मैं उसको समझा रहा था कि भाई अंदर जाकर, सस्पेंड हो गया 3 दिन के लिए। बस एक ही कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारे अब्बा ना मारेंगे हमको, बाकी चाहे जो हो जाए। हमसे कहते तुम टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, किसी टीचर को पढ़ाकर कोई आज तक राजा नहीं बना।